आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई सेल है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कोई प्रोडक्ट बनाता है ड्यूरिंग दियर ग्रोथ फेज, चाहे वो लैब में बनाया जाए, चाहे स्क्रीन बनाए, तो ये जो प्रोडक्ट्स बन रहा है, ये प्रोडक्ट दो तरीके का हो सकता है, आइदर ये एक्सप्रेस अंदर हो सकता है और वो इंट्रा सेलुलर हो सकता है। यानी हमने अभी बताया तुम लोगों को कि अगर वो एंटीबायोटिक है तो प्रोडक्ट क्या हो गया सर, एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर कोई एंजाइम है, हार्मोन्स है, प्रोटीन है, तो वो प्रोडक्ट तुम्हारा इंट्रा सेलुलर है। ठीक, तो अब इस प्रोडक्ट को रिकवर कैसे करें, इसके किसी के आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। इसको तुम लोग पढ़े हो, प्रोटीन इंजीनियरिंग नहीं पढ़े कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या है। आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द माइक्रोग्रेड प्रोडक्ट और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन, यानी आपको आइसोलेट भी करना है और प्योरीफाई भी करना है। आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। तो यही डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जब आप माइक्रोग्रेड प्रोडक्ट के लिए करते हो, तो आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट की वैरायटी के लिए दो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट कौन कौन सा है, एक है एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन आएगा, तो यू हैव टू ऑप्ट टू स्ट्रेटजी, सेपरेट फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर एंड सेपरेट फॉर इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर की अलग स्ट्रेटजी होगी और इंट्रा सेलुलर की अलग होगी। सपोज करो कि अगर माइक्रोग्रेड प्रोडक्ट है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे हार्मोन हो, नाम नहीं दे रहे हैं, ये मान के चलते एनी काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, देन सिंस सच प्रोडक्ट को हम आइसोलेटेड प्यूरीफाई करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन योर नेचर, अगर कोई एक्स्ट्रा सेलुलर हुआ तो उसके लिए हमारा एक स्ट्रैटेजी जो होगी वो सेपरेट अलग होगी, और अगर वो इंट्रा सेलुलर हुआ तो उसके लिए हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी वो सेपरेट। अब क्या वो स्ट्रैटेजी होगी, ये वन मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, टू मार्क्स का क्वेश्चन है। सपोज करो कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, एग्जाम्पल हम क्या करेंगे इसमें, एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गए, ये सारे एंटीबायोटिक एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इसके लिए एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट है, इसका मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म डायरेक्टली रीच कर रहा है सेल के बाहर। तो अगर मान लीजिए दिया है और इसमें कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म है ग्रो कर रहा है और सेल के बाहर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या इसमें सेल को ब्रेक करने की जरूरत है, नहीं, देयर इज नो नीड टू ब्रेक द सेल बिकॉज ऑलरेडी द प्रोडक्ट आर लिविंग आउटसाइड द सेल। तो अगर ये सेल के बाहर जा रहा है प्रोडक्ट, तो सेल के बाहर क्या है, मीडिया है, मीडिया में जा रहा है, यानी जितने प्रोडक्ट्स हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर रिलीज होते हैं, रिलीज इनसाइड मीडिया, वो मीडिया में जा रहा है, जिस मीडिया में माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है उसी मीडिया में, और उस मीडिया से अगर तुमको इसको आइसोलेट करना है तो तुमको एक ही टेक्निक यूज करना पड़ेगा कि मीडिया को छान लो, मीडिया को अलग कर लो, उसमें जो सस्पेंडेड प्रोडक्ट है उसको अलग कर लो, और उस प्रोसेस का नाम, उस टेक्निक का नाम है फिल्ट्रेशन। ठीक, तो तुमने यहाँ फिल्ट्रेशन कर लिया, और जैसे ही फिल्ट्रेशन किया तुम्हें दो चीज़ें मिल जाएगा, एक तो जो छानोगे तो मीडिया छन के अलग हो जाएगा, और दूसरा एंटीबायोटिक अलग हो जाएगा। जब इसको फिल्ट्रेशन करोगे तो मीडिया सेपरेट हो जाएगा और एंटीबायोटिक सेपरेट हो जाएगा, और अब तुम इसको अलग अलग कई प्रोसेस से, चाहे तुम क्रोमेटोग्राफी से और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से, जेल क्रोमेटोग्राफी से और ज़्यादा प्योरीफाई करो, लेकिन तुम्हारे पास जो बेसिक स्टेप था, जो बेसिक तुम्हारी स्ट्रैटेजी थी एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट के लिए, वो क्या था, फिल्ट्रेशन। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट है वो कहाँ रिलीज हो रहा है, मीडिया, आउटसाइड द सेल, यानी मीडिया, सेल के बाहर क्या है, मीडिया। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट इंट्रा सेलुलर होता, जैसे कि हार्मोन्स, जैसे कि एंजाइम्स, तो उस कंडीशन में क्या ये प्रोडक्ट मीडिया में जाता, नहीं जाता, क्योंकि तो सेल के अंदर है। तो उस कंडीशन में इस सेल को आपको ब्रेक करना पड़ता, विदाउट ब्रेकिंग द सेल यू कैन नॉट आइसोलेट एंड माइक्रो प्रोडक्ट। तो ब्रेक करने के लिए तुम्हारे पास क्या टेक्निक है, ब्रेक करने की टेक्निक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सॉरी सेंट्रीफ्यूगेशन, पहले सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
हम इसको सबसे पहले हम ब्रेक करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जो तुमको कोई चीज सेपरेट करता है, जैसे घर में मिक्सी है, सेंट्रीफ्यूगेशन का काम करता है। दूध से पहले के जमाने में क्या होता था कि जब हम लोग मक्खन वगैरह निकालते थे, ऐसे समझते थे, तो वो भी एक तरह का सेंट्रीफ्यूगेशन था। तो सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस है जिससे कि सेल टूट जाए, सेल ब्रेक कर जाए, सेल डिस्ट्रक्ट कर जाए। तो ये क्या करेगा प्रोसेस कि सेल को ब्रेक कर देगा। सेल ब्रेक करेगा तो सेल का टूटा फूटा भाग यानी सेल डेब्रिस मिलेगा और उसी के साथ क्या सस्पेंडेड होगा, वो इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो एंजाइम या हार्मोन है वहाँ। तो जब सेल ब्रेक होगा तो तुमको यहाँ मिलेगा सेल डेब्रिस एलाउमिक एंजाइम या हार्मोन या प्रोडक्ट, जो तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब इस सेल डेब्रिस से इसको कैसे अलग करोगे? बाय फिल्ट्रेशन। तो इसके बाद जो प्रोसेस करोगे वो तुम्हारा फिल्ट्रेशन हो जाएगा। तो अगर कोई इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट है तो तुम्हारे पास बेसिक दो स्ट्रेटजी होगा। पहला तुमको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन, और दूसरा क्या करना है, फिल्ट्रेशन का अल्ट्रा। समझ गए? लेकिन अगर एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट हुआ तुम्हारी स्ट्रेटजी केवल एक है, क्या है? तो वो तो ऑलरेडी मीडिया में, बस मीडिया से छान के अलग कर लेना है। लेकिन अगर वो इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर है, यू हैव टू बी ब्रेक द सेल, एंड फॉर ब्रेकिंग द सेल यू हैव टू यूज द टेक्निक, द टेक्निक इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड व्हेन द दिस सेल्स आर ब्रेक डाउन, then cell debris are obtained, and along with this cell debris the intracellular product enzyme or hormones are mixed. Then you have to separate this cell debris from enzyme or hormone, and for this you have to use the process ultrafiltration or filtration. So for the intracellular product the strategy is first centrifuge, then filtration, and for the extracellular process you choose one liter filtration. समझ गए? ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, इंट्रासेलुलर के लिए स्ट्रेटेजी क्या होता है, इंट्रासेलुलर के लिए और इसी को हम लोग बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।